2019 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में काफी अहम रहा। गेस्ट हाउस कांड के बाद करीब 24 साल बाद मायावती और मुलायम सिंह के बीच की तल्खी मिटी और महागठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरे। यूपी में तो मायावती के लिए नतीजे ठीक थे, लेकिन दूसरे राज्यों में बीएसपी को काफी झटका लगा, जिसके बाद मायावती पार्टी की हार को लेकर मंथन कर रही हैं और राज्यवार समीक्षा करके एक्शन मोड में आ गई हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने दिल्ली दफ्तर में सभी राज्यों के पार्टी प्रभारियों और अध्यक्षों के साथ मिलकर मंथन में जुटी हैं और सोमवार को होने वाली पार्टी के नेताओं के साथ बैठक से पहले ही मायावती ने 6 राज्यों के लोकसभा चुनाव प्रभारियों को हटा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 3 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को भी पद से बेदखल कर दिया है। मायावती ने उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा के लोकसभा प्रभारी हटा दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली और मध्य प्रदेश के बीएसपी अध्यक्षों पर भी गाज गिरी है। खराब परफॉर्मेंस पर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष छट्टूराम और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह की छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली में सुरेंद्र सिंह की जगह लक्ष्मण सिंह और मध्य प्रदेश में डीपी चौधरी की जगह रमाकांत पुत्तल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष आरएस कुशवाहा को उत्तराखंड राज्य प्रभारी के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर एमएल तोमर को नया प्रभारी बनाया गया है। बीएसपी सुप्रीमो ने ओडिशा और गुजरात के प्रभारी पद से छट्टूराम को हटाकर बिहार झारखंड का प्रभारी बनाया है। मुनकाद अली को राजस्थान प्रभारी पद से हटा दिया गया है। पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम को बिहार के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह को झारखंड राज्य प्रभारी पद से हटा दिया गया है। राम अचल राजभर को गुजरात के साथ महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है। उनसे बिहार राज्य का प्रभार वापस ले लिया गया है। मायावती अब सोमवार को यूपी के जोन इंचार्ज और जिला अध्यक्षों के साथ ही लोकसभा प्रत्याशियों और नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक करेंगी। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव में 2014 के मुकाबले 2019 में भले ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए 10 सीटें जीती हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक गठबंधन को कम सीटें मिली हैं। माना जा रहा है कि सोमवार को बैठक में संगठन में फेरबदल को लेकर महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। सोमवार को मायावती अपने पार्टी के बड़े नेताओं, लोकसभा के जो प्रत्याशी रहे उनके साथ व जोन इंचार्ज के साथ मीटिंग करेंगी। इस मीटिंग में कई अहम फैसले हो सकते हैं, कई बड़े फेरबदल होने के भी संकेत हैं और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तय की जाएगी। कैमरामैन अश्विन कुमार के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।